कैसे गया ये बच्चों को लेके घर बार बेच के, फिर भी मैं इसलिए इसलिए अपनाना चाहता हूँ कि मेरे मासूम बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल का मसला है। सर पैसा तो मैं इसको हर महीना बेचा था, 70,000, 80,000, 90,000, 1,00,000 तक भी मैं बेचा शुरू में। और उम्मत इंसान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे साथ नाइंसाफी भी हुआ है और मेरे साथ हेल्प करें, मेरे मासूम है बच्चे और सीमा को इनको वापस लाया जाए। न्यूज टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत जा चुकी हैं, उनके हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर उनके शोहर गुलाम हैदर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम हैदर साहब। अच्छा आप ये बताइएगा कि आपकी शादी सीमा से हुई किस तरह, आप पहले भी शादीशुदा हैं? जी मैं पहले शादीशुदा था, सीमा से मेरी शादी लव मैरिज हुई तकरीबन 3 से 4 माह के बाद। जब मैं सीमा से आपकी लव मैरिज हुई थी? एक मिनट हैदर भाई, सीमा से आपकी लव मैरिज हुई थी? जी जी बिल्कुल, सीमा से मेरी लव मैरिज थी। कैसे लव मैरिज हुई थी? सर ये तो अभी फोन पे बातचीत हुई, फिर एक दूसरे को पटा लिया, फिर 3-4 महीने के बाद हमने शादी का फैसला किया, फिर कोर्ट जिकमाबाद में निकाह किया। सर सीमा आपको कहाँ मिली थी, कैसे लव हुआ था, फोन पे बात हुई है, कैसे पहली दफा कैसे मिली थी आपको? हाँ सर हम फोन, जी जी हम फोन पे ही मिले थे, फिर मैं गया था उधर कोर्ट बंगला, फिर दोनों आए थे जिकमाबाद कोर्ट पे। अच्छा सीमा से जब शादी हुई है तो रजामंदी से हुई थी? बिल्कुल रजामंदी से कोर्ट में हुई थी, उनका निकाहनामा पेपर हर चीज मेरे पास जो है ना बिल्कुल क्लियर है। अच्छा सीमा का भी तल्लक बलोच फैमिली से है? जी। सीमा कहती है कि बलोच फैमिली में इस तरह शादी नहीं हो सकती, लव मैरिज नहीं हो सकती, ये जबरदस्ती की शादी थी। नहीं नहीं वो तो झूठ बोल रहे हैं, क्यों लव मैरिज नहीं हो सकती। बाद में जो हमारे मसले मसाइल थे बलोच भाई से, हमारे इनका जो है ना लैंग्वेज है वो स्लैंग की बात करते हैं सर। जिरगा जी से बिठाया, मालिकों को मैं इसके भाई बहनों को जिरगा बिठा के राजी किया, फिर हम एक साथ कराची रहने लग गए। अच्छा अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर मैं तो आवाम से भी ये गुजारिश कर रहा हूँ और वजीर खारजा बिलाल साहब को, वजीर आजम शहबाज शरीफ को, आपके चैनल के तरफ से कुल भाई बहनों को, उम्मत मुस्लिम और उम्मत इंसान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ और मेरे साथ हेल्प करें, मेरे मासूम है बच्चे और सीमा को इनको वापस लाया जाए, ताकि सारे मुस्लिम और इंसान है, हिंदू है, मुस्लिम है, सारे भाई बहन सबको मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके चैनल की तरफ से कि मेरे साथ हेल्प करें और मेरे बच्चों को वापस दिलाने में पूरी मदद करें सर। अच्छा खबरें ये भी आ रही हैं कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना वो कह रहे हैं कि सीमा ने अपने शोहर के साथ वफादारी नहीं की, अपने मुल्क के साथ वफादारी नहीं की, अपने दीन के साथ वफादारी नहीं की, अपने मजहब के साथ, तो उसको वापस भेजा जाए और वो भारत के साथ और भारतीयों के साथ भी वफादारी नहीं करेगी, क्या कहते हैं? पर ये तो आप देखो तो वैसे एक बात है, उसने नादानी किया या डिप्रेशन में गया, कैसे गया ये बच्चों को लेके घर बार बेच के, फिर भी मैं इसलिए इसलिए अपनाना चाहता हूँ कि मेरे मासूम बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल का मसला है। ये तो 4 दिन का पता नहीं इसको भूत चढ़ा हुआ था, इसके पता नहीं ये प्रोपेगंडा है, इसको तो मैं कोई इस बात का कोई सदाकत है नहीं, जो 4 बच्चों की माँ को एक गेम के जरिए इनको इश्क हो सकता है। ये तो मैं इसको ये बात को मैं तो बिल्कुल खारिज कर रहा हूँ कि ये गलत बात है, पता नहीं इसको किसी डिप्रेशन में है या किसी ने इसको जबरदस्ती किया, कैसे इनको इधर से धोखे में लेकर गए, इनका घर बिछवाया घर, ये तो पूरा नाइंसाफी है। अभी सिर्फ हम छोटी बात देखे हैं, बस इसको इश्क और मोहब्बत की लैला मजनू हुआ 4 बच्चे का माँ सर, ये तो सराकर गलत है ना। पता चला है कि सीमा टिकटॉक इस्तेमाल करती थी, टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी, आपके इलम में था? नहीं सर टिकटॉक अगर ऐसे खुद बना के मोबाइल में रख रहा था तो वो हो सकता था, मगर जो एक जो अपलोड करता है मतलब या बाहर ऐसे अपलोड नहीं था। अच्छा अपलोड नहीं था, बातचीत कर रहा था कुमार फोन। जी। अच्छा एक वीडियो, एक एक दो वीडियो आपने भी देखी होगी कि सीमा डांस कर रही है, जो सीमा के डांस करने वाली वीडियो है। अच्छा ये सीमा जब कराची में रहती थी तो किस तरह के लोगों से मिलना था, कोई हिंदुओं से भी मिलना था कराची में या सिंध में? वो कह रही है कि मैं हिंदू फैमिली से मिलती थी। बिल्कुल
नहीं नहीं बटैयाबाद में सारे मुस्लिम लोग हैं रह रहे, ये भी झूठ कह रहे हैं कि मैं जा रहा था हिंदुओं से मिल रहा था, मैं तो इधर हूँ। शायद वो जा भी सकता है, अगर इतना बड़ा वो कदम उठा सकते हैं कि मतलब मैं इस बात पे एग्री नहीं करता हूँ, ये जाता था नहीं जाता था, सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, क्या बात है, सच्चाई है, मैं तो इधर था सर। अच्छा दूसरा ये बताइएगा कि आपने सीमा को घर लेके दिया कराची में, तो जब आपके अंदरून सिंध से कराची शिफ्ट होना था तो क्या किसने फैसला किया था कि हम कराची चले जाएं, क्या वजह क्या बनी थी? वजह मेरी बनी थी कि बच्चे बस हमारे लंबे था, उनके माँ बाप की जो माँ का डेथ हुआ हुआ था, कराची में दोनों का फैसला था कि जाके बोझे शहर कमाएंगे भी और रहेंगे सुकून से। कराची आप कितनी देर रहे हैं, कितना टाइम कराची रहे हैं, कब कराची शिफ्ट हुए हैं? सर 2014 में बस मैंने शादी किया था, तो एक माह भी मैं घर नहीं रहा, एक माह या दो माह के बाद हम चले गए थे, इसके अबू के साथ उधर रह रहे थे, इनका घर अलग हमारा घर अलग। अच्छा सीमा ने एक और सीमा ने इल्जाम लगाया आप पे कि ये इन्होंने अपनी बहन को बेच दिया 2.5 लाख में। नहीं नहीं सर, ये बिल्कुल इस बात में कोई कदर नहीं है, ये बुनियाद बातें कर रहे हैं, कोई अपने औलाद को बेचेगा, ऐसी ऐसी बातें अभी जो कर रहे हैं बेच भी, उनको अभी कहना चाहिए भले कुछ भी कहे, इसी बातों में कोई संजीदगी नहीं है, ये बेबुनियाद बातें हैं सर, बिल्कुल झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। आप लोगों ने भी इनका इंटरव्यू वगैरह देखा है तो हर 2 मिनट के बाद ये पट्टी चेंज करते हैं, हर कोई मीडिया वाला आ रहा है खुद उनको झूठा करा दे रहे हैं, इंडिया वाले भाई भी भाई तो एक बार से एग्री तो हो जाए, कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं। अच्छा सीमा ने मुसलमान से हिंदू मजहब अपना लिया और अब वो मंदिर में जाती है और वो कहती है कि मैं अपना मजहब चेंज कर चुकी हूँ, तो आप क्या समझते हैं कि एक मुसलमान जो होता है सही मुस्लिम वो इस तरह मजहब चेंज कर सकता है? आपको कोई पैसे दिए जाएं, आपको कोई नेशनैलिटी दी जाए तो आप अपना मजहब चेंज कर लेंगे? नहीं सर बिल्कुल नहीं करेंगे। इस तरह कोई मुसलमान मजहब चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता भाई, मुसलमान मर सकते हैं मजहब चेंज नहीं कर सकता बिल्कुल। अच्छा दूसरा ये कहते हैं कि सीमा को फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक था और सचिन को सिर्फ सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल किया और वो फिल्मों में काम करना चाहती है और डांस अच्छा करती है। नहीं सर इस बात में मुझे तो इल्म नहीं है कि उसको फिल्मों में शौक था, कभी सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, कभी उसने आपसे जिक्र किया है कि यार मुझे डांस आता है या मैं मतलब टिकटॉक बना लूं, कभी इजाजत ली हो, कभी इस तरह की कोई बात? नहीं नहीं बिल्कुल भी ऐसी बात उन्होंने कभी की भी नहीं सर। अच्छा सीमा के पास जो मोबाइल था वो आपने लेके दिया? जी मैं इधर आया था, पैसे भेजे थे, मैं फोन लिया था और एक छोटा मोबाइल था पहले से, जैसे लोकल पहले से छोटा मोबाइल था, जब मैं इधर सऊदी अरब आया पैसे भेजना शुरू किया तो स्मार्टफोन लिया। जी सर कितने कितने पैसे भेजे थे फोन के लिए? सर पैसा तो मैं इसको हर महीना भेजता था, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख तक भी मैं भेजा, शुरू में थोड़ा कम भेजा, जैसे मैं गया था 2-3 महीना मुझे इलम नहीं था कि मैं 50,000 से 45,000 भेजता था शुरू में 3 महीना 4 महीना, उसके बाद जैसे मैंने काम का जानकारी हो गया, इधर उधर वास्ता हो गया, 2-3 जगहों पे काम करना, इधर जाना उधर जाना, फिर मेरा धंधा बढ़ गया सर, फिर मैं 70 से 80, अभी तकरीबन 1 लाख भी मैंने भेजा, 1,10,000 भी भेजा एक महीने में, 90,000 80,000 पूरा बिल्कुल एग्री था सर। अच्छा आपकी फोन पे कितने दिनों बाद बात होती थी? सर मेरा फुल बात होती थी हर दिनों में, ये सुबह सुबह बच्चों को तैयार करता था ना, उधर पाकिस्तान में सुबह जल्दी होता है तो इधर देर होता था, मैं सोया रहता था, सीमा का काल आता था, वो बच्चों को तैयार करता था, रोते बच्चों को तैयार कर रहा हूँ स्कूल के लिए, सीमा की कॉल आती थी रोज आती थी। जी जी बिल्कुल भाई बिल्कुल।